नमस्कार, मैं शीनम शर्मा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। हिमाचल लाइव में आप सभी का स्वागत है। तो चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है और आज नवरात्र का दूसरा दिन है और आज के दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जाती है। चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं हिमाचल के प्रसिद्ध त्रिलोकपुर मंदिर की आरती। Oh,
माता के इस मंदिर की स्थापना 16वीं शताब्दी में राजा दिलीप कुमार ने कराई थी। इसके पीछे एक कहानी कथा है। हमारे पूर्वज जो लाला रामदास जी यहाँ पर एक व्यापारी थे, उस समय में यहाँ पर नमक की बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई, तो हमारे जो पूर्वज लाला रामदास जी थे देवबंद नामक स्थान से, जो आजकल यूपी में पड़ता है, वहाँ से नमक लेकर लाकर यहाँ पर बेचते थे। लाला जी एक बार यहाँ पर नमक बेचते रहे, उनका नमक ख़त्म ना हुआ। तब लाला जी सोच में पड़ गए कि ऐसा क्या चक्कर है कि मेरा नमक क्यों नहीं ख़त्म हो रहा। तब लाला जी को माता जी ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि आपके नमक में मैं पिंडी रूप में विराजमान हूँ और मुझे यहाँ पे मेरा मंदिर बनवाओ। तब लाला जी ने कहा कि मैं मंदिर कैसे बनवा सकता हूँ, मैं तो एक गरीब हूँ। और तब माता जी ने कहा कि मेरा मंदिर कौन बनवाएगा। तब लाला जी ने कहा कि आपका मंदिर नाहन का राजा जी बनवा सकते हैं। तब माता ने उनको देश दिया कि मैं मंदिर नाहन के राजा जी से बनवा लूँगी, किंतु जो पूजा है पूजा आपके परिवार में से कोई भी करेगा मेरी। लाला जी ने कहा कि माता मेरे तो सिर्फ मेरी सात लड़कियां हैं, मेरा कोई पुत्र नहीं है, तो इतना मैं पूजा करूंगा तो मेरे बाद कौन पूजा करेगा। तब माता ने लाला जी को आशीर्वाद दिया कि आपका पुत्र होगा और आपका कुल चलेगा।